कमाल कमाल एपिसोड में आज हम दिखाने वाले हैं आपको मेरा ड्रीम गेमिंग पीसी। नहीं, बिल्ड मैं पूरा नहीं दिखा पाऊंगा गाइस, बिकॉज मैं ये जहां से परचेस किया हूं ड्यू टू कोविड, वहां पे जहां पे असेंबल एरिया था थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस थे वहां पे, तो जितना हो सका मैं शूट किया वहां पे, ठीक है। तो लाइक आप वो शॉट्स पहले एंजॉय कीजिए। आएंगे हम गेमिंग के गेमिंग पीसी के कुछ रॉ मटेरियल्स में, लाइक मैंने कौन सा प्रोसेसर यूज़ किया, कौन सा ग्राफिक्स कार्ड यूज़ किया, कौन सा पावर सप्लाई यूज़ किया, कौन सा मदरबोर्ड यूज़ किया, हर डिटेल्स मिलेगा गाइस आपको इस वीडियो में। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि मैं अपने एक ड्रीम गेमिंग पीसी बिल्ड करूँगा जिसमें मैं ड्रीम गेम कर सकता हूँ, जिसमें मैं स्ट्रीम कर सकता हूँ, जिसमें मैं एडिट कर सकता हूँ, जिसमें मैं मेरे बाकी ऑफिशियल वर्क फ्रॉम होम सब काम कर सकता हूँ, वीडियो को पूरा देखिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हर एक प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन विथ प्राइस मैं बोलूँगा, एंड कोलकाता से अगर आप लोग हो या फिर वेस्ट बंगाल से अगर आप लोग हो, कहाँ से आपको ये सब चीज़ मिलेगा मैं डिटेल्स वो भी आपको दिखाऊंगा। सर शुरू करते हैं आज के वीडियो को। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है गाइस, प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके किए हुए लाइक से, आपके किए हुए कमेंट से मुझे और ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिलेगा ताकि मैं और ज़्यादा धमाकेदार वीडियो ला सकता हूँ। और हाँ, मेरा एक गेमिंग चैनल का लिंक यहाँ पे जा रहा है, उसका नेम भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी शायद 3-4 दिन के अंदर उस चैनल में आने वाले हैं धमाकेदार गेमिंग। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। एक टाइम ऐसा था गाइस जब मैं सोचता था कि क्या मैं अपना गेमिंग पीसी बिल्ड कर पाऊंगा, मेरा बजट तो बहुत ही कम है, मेरा बजट 1 लाख भी नहीं है, 1 लाख से भी नीचे है, तो क्या मैं 1 लाख से नीचे सबसे अच्छा गेमिंग पीसी बिल्ड कर पाऊंगा, क्या मैं खरीद पाऊंगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ, मैंने वो ड्रीम अचीव कर लिया है, मैंने वो पीसी बिल्ड कर लिया है जो कि है एक परफेक्ट गेमिंग पीसी, स्ट्रीमिंग पीसी एंड एडिटोरियल पीसी। सो आ जाते हैं सीधा कंप्यूटर कंपोनेंट्स के ऊपर। और हाँ, मैं पहले कंपोनेंट्स आपको दिखाऊंगा, उसके स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में मैं उसका एक टोटल प्राइस चार्ट दे दूंगा, कौन सा चीज़ मैं किस प्राइस में खरीदा हूँ, एंड ये सब चीज़ आपको कहाँ मिलेगा, उस शॉप का नेम, फ़ोन नंबर, डिटेल्स मैं सब वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। सो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ मेरा वीडियो विद द कैबिनेट। अब मैंने कौन सा कैबिनेट लिया, मैंने लिया ये NX410 ब्लैक कलर में आने वाला साइड टेम्पर ग्लास पैनल वाला एक कैबिनेट, जो कि है एंटेक की तरफ से। आप देख ही सकते हो एंटेक की तरफ से NX410 कैसा दिखता है वो CPU या फिर कैसा दिखता है वो कैबिनेट, दिखाएंगे आपको बहुत ही जल्दी। ये है उसका पैकेट, आप देख ही सकते हो पैकेट में उसका MRP लिखा है यहाँ पे 5199, लेकिन मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट इतनी की वो आई नहीं, थोड़ा इससे कम आया है। और इसमें है इसका कुछ स्पेसिफिकेशन, अगर आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हो, कितना क्या डायमेंशन है, क्या क्या है, सब इसमें मेंशन किया हुआ है। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है इंटेल का कोर i5 10th generation प्रोसेसर। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, एंड स्पेशली गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग के लिए तो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। पैकेट में आपको मिलेगा एक i5 का 10th generation वाला प्रोसेसर और इसका कूलिंग फैन। अब आते हैं मदरबोर्ड में, मैंने यहाँ पे लिया है 1GB का B460M गेमिंग HD। ये मदरबोर्ड सपोर्ट करता है इंटेल को, एंड इसमें कुछ खास स्पेसिफिकेशंस भी है, लाइक
मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके इसको एक बार देख भी सकते हो। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, इसमें आपको दो रैम स्लॉट मिलेगा। इसका हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ रैम है 32 GB। यहाँ पे आपको 6 USB 3.2 प्लस 6 2.0 का पोर्ट मिलेगा। 8-channel ऑडियो HD है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा इसके साथ RGB स्ट्रिप का फैसिलिटी, मतलब इस मदरबोर्ड के साथ अगर आपके कैबिनेट में कुछ RGB फैसिलिटीज़ है या फिर आप एक्स्ट्रा लगाना चाहते हो वो भी ये मदरबोर्ड सपोर्ट करेगा। स्मार्ट फैन 5 का टेक्नोलॉजी इसमें आता है। एंड इसमें आता है नो लैग जस्ट फ्रैग फैसिलिटी। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो मदरबोर्ड है ये सपोर्ट करता है 10th generation का कोई भी इंटेल आईकोर प्रोसेसर को। इसमें आपको मिलेगा 2 SSD स्लॉट जो कि NVMe 2 का है। आपको मिलेगा 2 RAM का स्लॉट, मैक्सिमम रैम स्लॉट। इसमें मैक्सिमम रैम कैपेसिटी आप इसमें डाल सकते हो 32 GB का। इसको छोड़ के भी कुछ स्पेसिफिकेशंस है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। अब आ जाते हैं सबसे मेन पार्ट पर, वो है ग्राफिक्स कार्ड। मैंने यहाँ पे 1650 जो कि आता है ज़ोटेक गेमिंग की तरफ से। एंड इसमें आप देख ही सकते हो टर्निंग शेड्स है, GDDR6 है, डायरेक्ट एक्स 12 है, एनसेल है, और ये 4 GB का एक ग्राफिक्स कार्ड है जो कि एनवीडिया का है। एंड इसका पीछे आप देख सकते हो इसमें सिंगल फैन आता है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस बहुत बहुत ही अच्छा इसका गेमिंग परफॉर्मेंस है, जो वो मेरे आप गेमिंग चैनल में जाकर देख सकते हो जहाँ पे मैं गेम खेल रहा हूँ अभी। एंड ये रहा इसका कुछ और स्पेसिफिकेशंस, लाइक इसका GPU का नेम है GeForce GTX 1650। ये 128 bit का है। इसमें DVI/DA HDMI डिस्प्ले पोर्ट है। ये विंडोज 10 सपोर्ट करता है या फिर उससे भी ऊपर का वर्षन सपोर्ट करता है। एंड ये 4 GB का GDDR6 का सपोर्ट में ये ग्राफिक्स कार्ड है। और इस ग्राफिक्स कार्ड का प्राइस मार्केट में हर एक दुकान में आपको हर एक तरह का मिलेगा, लेकिन इसका एक्चुअल जो प्राइस है जिसमें मैंने ये मदरबोर्ड को ख़रीदा है आपको प्राइस मिलेगा वीडियो के लास्ट में। सो हर एक प्रोडक्ट का प्राइस जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट में मैं हर एक चीज़ का प्राइस रिवील करूँगा। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है SSD। मैंने यहाँ पे NVMe PCIe Gen 3.0 x 4 SSD X-Force का लिया है। ये एक SSD है जो कि है 250 GB का। एंड इसका स्पीड भी बहुत ही अच्छा है। इसमें डेटा ट्रांसफ़र स्पीड आप देख सकते हो 21,000 Mbps पर सेकेंड है। इसमें SATA 3 का इंटरफेस है, इसका बहुत बहुत ही अच्छा पावर इंटरफेस है। एंड ये इसका कितना प्राइस है वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा। मैंने अपने CPU में लगाया है क्रूशियल का 2 8 GB रैम स्टिक, मतलब टोटल मेरा CPU का कैपेसिटी है 16 GB। ये रैम स्टिक कोई VGA या फिर RGB रैम स्टिक नहीं है, नॉर्मल रैम स्टिक है। मेरा मानना है अगर आपको गेमिंग PC बिल्ड करना है तो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे RGB यूज़ करो, फालतू में RGB यूज़ करके पावर सप्लाई को लोड मत करो। तो ये क्रूशियल का 2 RAM स्टिक 8 GB इच, मतलब 16 GB रैम स्टिक मैंने लगाया है अपने कैबिनेट में। इसका भी प्राइस मिलेगा आपको वीडियो के लास्ट में। अब आ जाते हैं हार्ट ऑफ द CPU मीन्स पावर सप्लाई। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कूलर मास्टर का 550 230 वोल्ट ब्रोंज। यहाँ पे बहुत ही अच्छा पावर सप्लाई है ये गाइस। एंड मेरा मानो अगर आप एक मीडियम साइज़ का गेमिंग PC, मतलब विद इन 1 lakh का गेमिंग PC, कम एडिटिंग PC, कम आप स्ट्रीमिंग PC, कम अपना वर्क फ्रॉम होम के लिए कुछ भी ले रहे हो तो दिस इज़ द बेस्ट, नॉट द बेस्ट, दिस इज़ द बीस्ट ऑफ पावर सप्लाई। ओके गाइस, अब आ जाते हैं मॉनिटर में। मैंने यहाँ पे कौन सा मॉनिटर ख़रीदा है, मैंने यहाँ पे ख़रीदा है LG का IPS सिनेमा स्क्रीन मॉनिटर जो कि 22 इंच का मॉनिटर है। एंड इसमें आपको बेजल ना के बराबर मिलेगा, कोई भी एक साइड में आपको थोड़ा सा पतला सा बेजल मिलेगा। एंड ये भी काफ़ी अच्छे प्राइस में मुझे मिला है। कहाँ से मिला है, कितने प्राइस में है, इसका क्या, अगर आप ऑनलाइन खरीदोगे तो उसका लिंक सब डिटेल्स में आपको दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एंड वीडियो के आखिर में मैं इसका टोटल एक प्राइस चार्ट रिवील करने वाला हूँ। सो गाइस एक झलक आप देख लो मेरा ड्रीम गेमिंग PC का सेटअप। यहाँ पे आपको मिलेगा एनटेक NX410 का कैबिनेट जिसमें प्री इंस्टॉल्ड 3 RGB फैंस है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पे दिए हुए एक बटन से। आप देख ही सकते हो जैसे मैंने ये बटन प्रेस किया सिंगल कलर में आ गया, उसके बाद और एक कलर, फिर और एक कलर, फिर कलर फ्लैश मोड, फिर वाइट कलर। अब वेरियस कलर में ये फ़ैन घूमता रहता है। इसके साइड में आपको मिलेगा एक टेम्पर ग्लास पैनल। अगर जितना देर आप गेम कर रहे हो, स्ट्रीमिंग कर रहे हो, सब आई प्रेफर यू कि ये इसको खोल के करो ताकि एक्सेस हीट जो है निकल जाए। इसके अंदर वाला पोर्शन आप देख ही सकते हो, ये है 3rd RGB फ़ैन, ये है इंटेल का प्रोसेसर के आने वाला फ़ैन, ये है 2 RAM स्टिक,
ये है मेरा ग्राफिक्स कार्ड, आप देख ही सकते हो GeForce GTX 1650। एंड इसमें आपको SSD अगर देखना है तो SSD आपको दिखेगा, एक ग्रीन कलर का लाइट ब्लिंक कर रहा है, वो है मेरा SSD। ये SSD के साथ एक इंडिकेशन लाइट भी आता है ताकि आपको समझ में आए कि SSD रीड एंड राइट कर रहा है। और हाँ, इसका सबसे खासियत है गाइस, इस मदरबोर्ड के बैक पैनल में एक रेड कलर का स्ट्रिप मिलेगा जिसका आप रिफ्लेक्शन देख ही सकते हो। इस साइड का जो पैनल है गाइस, ये एक सॉलिड मेटल पैनल है, इसको मैं अभी खोल नहीं पाऊंगा, लेकिन यहाँ से आप लोग देख ही सकते हो एक रेड कलर का स्ट्रिप पीछे से जा रहा है, नीचे से ये रहा और साइड से ये रहा। ये मदरबोर्ड के साथ ही इनबिल्ट आता है। तो ये रहा मेरा CPU आफ्टर बिल्ड। अब आपको लगेगा कि ये चीज़ क्या है, कुछ नहीं है गाइस, मेरा जो कीबोर्ड एंड माउस मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ज़ेब्रोनिक्स का वायरलेस है, उसी का एडाप्टर ये वाला है, ये वाला उसका एडाप्टर है, ठीक है। अब आ जाते हैं सीधा मॉनिटर पे। देखिए मेरा मॉनिटर, मैंने आपको बोला था पहले, इसमें आपको ना के बराबर बेजल्स मिलेगा, साइड में ना के बराबर बेजल्स है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा रेजोल्यूशन है इसका, एंड LG का बहुत ही शानदार मॉनिटर है ये, जो कि बजट में आता है। अब आ जाते हैं मेन पार्ट में, वो है नीथो V16 प्रो ड्राइविंग सिमुलेटर। इसके साथ आपको मिलेगा ये एक 270 डिग्री रोटेट होने वाला स्टीयरिंग, यहाँ पे मिलेगा आपको गियर शिफ्टर, नीचे है आपका एक्सेलरेटर वाला पैडल, ये है आपका ब्रेक पैडल, और इस स्टीयरिंग को टेबल के साथ माउंट करने के लिए दो क्लैंप का सेट इसके साथ आता ही है, जिस जैसे मैं इसको माउंट किया हूँ यहाँ पे। इस साइड में आपको मिलेगा बहुत सारे कंट्रोल्स बटन जिसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ये है स्टीयरिंग का सेंसिटिविटी बटन, ये अभी लो में है, इसको मिड हाई में भी आप कर सकते हो। एंड कुछ सपोर्टिंग बटन्स यहाँ पे भी है, आप देख सकते हो। ये है मेरा नीथो V16 प्रो ड्राइविंग सिमुलेटर का स्टीयरिंग पैनल, गियर बॉक्स एंड ब्रेक एक्सेलेरेटर पैडल, जिसके साथ मैं खेलता हूँ ऑलरेडी ETS 2 में, जीरो ट्रक सिमुलेटर 2। उसका अगर आप देखना है, मैं उसका फेसबुक लिंक, मैं फेसबुक में भी लाइव गेमिंग करता हूँ, मैं यूट्यूब में भी गेमिंग करता हूँ, मेरा फेसबुक का लाइव जो चैनल है, गेमिंग चैनल ZForce, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहे तो वहाँ पे भी जाके गेम देख सकते हो, वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। और मेरे गेमिंग चैनल में तो आपको मस्ट करना ही करना है, क्योंकि धमाकेदार गेमिंग वहाँ पे लाने वाला हूँ मैं। हाँ गाइज, एक चीज़ मैं आपको बोलना भूल ही गया, मेरे इस कैबिनेट के अंदर 250 GB का SSD तो है, साथ में यहाँ पे इंस्टॉल है 1 TB वेस्टर्न डिजिटल का एक SATA हार्ड डिस्क, जिसका मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन अभी दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन में। देखिए ये है मेरा SSD, जिसमें जिसका 237 GB है अभी। ये है एक पार्टीशन, ये है सेकंड पार्टीशन, ये है थर्ड पार्टीशन, एंड इसके प्रॉपर्टीज़ में भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इंटेल कोर i5 10th जनरेशन है, रैम है मेरा 16 GB, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 10 प्रो का ऑथेंटिकेट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये रहा मेरा ड्रीम डेस्कटॉप का कुछ व्यूज़ एंड ओवरव्यूज़। गाइस, तो आई होप आप लोगों को बहुत 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 अच्छा लगा है मेरा गेमिंग सेटअप एंड मेरा एडिटिंग सेटअप, जिसके साथ मैं करने वाला हूँ अगले 2-3 दिन के अंदर धमाकेदार गेमिंग। मेरा ऑलरेडी गेमिंग चल रहा है फेसबुक चैनल में, जिसका लिंक शायद यहाँ पे जा रहा है, या फिर मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिलेगा। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा ये सारा प्रोडक्ट, मैंने कहाँ से खरीदा, शॉप का नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, लोकेशन। उसके साथ आपको मिलेगा क्या, हर एक चीज़ का इंडिविजुअल प्राइस, ऑनलाइन में कहाँ से आप खरीद सकते हो उसका सपोर्ट। एंड अगर आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है गाइस, प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मुझे बताओ आपको क्या जानना है, क्या जानना चाहते हो। इसी के साथ मुझे और भी प्यार दो, और भी आप लोगों का प्यार चाहिए, और भी सपोर्ट चाहिए, ताकि मैं और ग्रो कर सकूँ, आप लोगों को और एंटरटेनमेंट दे सकूँ। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए मेरे वीडियोज़ को, एंड जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्दी और एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक गाइड एंड राइड आप सभी को बोलते हैं गुड बाय।